अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ आपको मिलते हैं सभी एग्जाम्स के लेटेस्ट कोर्सेज, जिनमें आप जो स्लाइड्स इस्तेमाल की गई होंगी उनको सीधे डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी वीडियोस को देख सकते हैं। मेरा नाम है इरशाद अली और मेरे कोर्सेज को आप जीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं उनको। यहाँ आप इस नाम से सर्च करेंगे इरशाद अली अकेडमी की लर्निंग ऐप में, तो सारे कोर्सेज पर पहुँच जाएंगे। मेरे प्रोफाइल पर जाकर आप वहाँ फॉलो के बटन को प्रेस करेंगे ताकि लेटेस्ट कोर्सेज के नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहेंगे। एलटी ग्रेड से रिलेटेड बात करेंगे इसकी। एडमिट कार्ड्स तो आपके आ ही चुके हैं, कुछ लोगों के एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, आप रात के 1 बजे के बाद में जो है इसको कोशिश करिए डाउनलोड करने की, सिंगल अटैम्प्ट में ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। दिन में इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है एकदम, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ ही विजिटर बन रहे हैं वेबसाइट पर, तो वेबसाइट नहीं खुल पा रही है। अब रोल नंबर तो आपके मिल गए होंगे, और जिस तरह से सेंटर्स वगैरह का अलॉटमेंट भी हुआ है वो बिल्कुल बेहद घटिया है एकदम। क्या सोचकर इन्होंने जो है ये 1,000 किलोमीटर तक मैक्सिमम डिस्टेंस गई है अभी तक। एडमिट कार्ड जो है जिन पर भी आपको एग्ज़ाम सेंटर्स मेंशन किए गए हैं, उन एग्ज़ाम सेंटर्स की डिस्टेंस आपके घर से 1,000 किलोमीटर आपके सेंटर्स दिए गए हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस इतनी है, 900 किलोमीटर भी हैं, 800 भी हैं, 700 भी, 600 भी, 500 भी। मिनिमम जो है 150 किलोमीटर तक के सेंटर्स रखे गए हैं, 200 किलोमीटर मिनिमम रखे गए हैं। ठीक, तो उससे कम ही शायद मैंने किसी का सुना है या देखा है एडमिट कार्ड, कि 200 किलोमीटर से कम रेंज में भी किसी का एडमिट कार्ड आया है। ठीक, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी होने के बावजूद भी जो है आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि हम एग्ज़ाम देने नहीं जाएं, सिर्फ किस वजह से कि एग्ज़ाम सेंटर्स दूर हैं। ठीक, एक तो मुद्दा बना है ये। ठीक, इस पर प्रोटेस्ट चल रहा है अभी कहाँ, कमीशन पर एक ये बात कही गई है, आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज वगैरह भी मिल रहे होंगे और वहाँ के जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ की तस्वीरें भी आपके पास होंगी, इमेजेस। ठीक, तो ये वहीं की है, कमीशन पर ये चल रहा है। और दूसरी चीज़ जो अभी रोल नंबर्स को लेकर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कि किसी एक मान लीजिए एक सेंटर है आपका, एक ही सेंटर पे एक ही सब्जेक्ट का खाली पेपर होना है, तो वहाँ एक ही कक्ष में एक ही सब्जेक्ट के सारे अभ्यर्थी बैठे हैं, और जिस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किए गए हैं उसमें भी जो है धांधली होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप, तो ये है अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन क्रम संख्या के आधार पर रोल नंबर जो आवंटन हुआ है उसका विरोध जताया है। ठीक, तो इस दौरान सचिव से जो है बात भी हुई है इनकी, लेकिन सचिव ने स्पष्ट कर दिया कि रोल नंबर रैंडम आधार पर ही आवंटित किए गए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो यहाँ नकल होने के जो भी चीटिंग्स वगैरह हैं और पूरे धांधली होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इसलिए जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा है अभी कमीशन पर। ठीक, तो यहाँ पर कमीशन ने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि रोल नंबर तो चेंजेस होने वाले नहीं हैं, और जिस हिसाब से पहले एडमिट कार्ड दिए गए उन्हीं पर जो है आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक, और देखिए यहाँ एग्ज़ाम की तैयारियों का एक न्यूज़ है, कि एग्ज़ाम को तैयारी को लेकर क्या क्या एलटी ग्रेड को लेकर क्या क्या इंतजाम किए हैं। तो एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षा स्पेशल टास्क फोर्स की निगरानी में हो जाए होगी ये, जिसमें कि देखिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं, और ये एग्ज़ाम 29 को ही होने जा रहा है अभी तक तो। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट का रिजल्ट निकल कर नहीं आया है और ना ही बात मानी गई है प्रोटेस्ट की। ठीक, तो जो याची बचे हुए हैं उनके एडमिट कार्ड भी जो है आज से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। तैयारी तो करते ही रहिए, आप अपना रिविज़न करते रहिएगा, जो भी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी डिमांड है इन लोगों की कि फिर से रैंडमाइजेशन के आधार पर फिर से जो है रोल नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जिस तरह से इन्होंने अभी सेंटर्स अलॉट किए हैं। ये एग्ज़ाम कराने का क्या मतलब है, देखिए इस तरह के सेंटर अलॉटमेंट का मतलब यही है कि बच्चे एग्ज़ाम देने पहुँचे ही ना। 1,000 किलोमीटर का क्या मतलब है, क्या कोई मतलब कोई मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट दोनों को ही दिक्कत होगी सेम तरह की, तो 1,000 किलोमीटर देने का क्या मतलब है। आप अगर आपकी तैयारी भी है तो मन में आपके आ ही जाएगा कि हम ये एग्ज़ाम जो है नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देंगे, ऐसा आप सोच भी रहे होंगे, बट ऐसा कीजिएगा मत। आप जो है अभी इरादा करिए एग्ज़ाम देने का ही, एक ही दिन की प्रॉब्लम है, तो ये जैसा भी कमीशन ने किया है बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी हरकतें हैं सारी की सारी। ठीक है, तो आप जो है अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और जो रिविज़न है उसको कंटिन्यू रखिए। जैसा ही कोई अपडेट होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिस तरह से रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें कुछ चेंजेस होंगे, नोटिफिकेशन अगर कोई आएगा आयोग की तरफ से, तो वो आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।